स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द बेस्ट नॉलेज ऑफ थिंग्स में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा नंबर सिस्टम का टॉपिक चल रहा था, उसमें हमने एक चैप्टर पढ़ा था यूनिट डिजिट। उसमें हमने क्या किया था, कुछ नियम पढ़े थे, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और 9, इन सभी में हमने क्या किया था, एक एक नियम पढ़े थे। ये नियम कहाँ अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, आज हम वो जानेंगे। कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और कैसे आपको टाइम मैनेज करना है और कैसे क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कैसे सॉल्व करना है, उसको आज हम सीखेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन अगर आप नहीं प्रेस करेंगे तो हमारे द्वारा वीडियो आपके लिए आपको पहले नहीं मिल पाएगी। तो वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करिए। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है उसका कमेंट करिए, हम उसका आंसर आपको अच्छे से समझाकर बताएंगे। दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है 5, 8, 2, 9, 2। इस सभी का होल स्क्वायर क्या है, होल पावर क्या है, 130। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या आपने कभी 130 पावर निकाली है? अगर निकाला है तो ठीक है, और नहीं निकाला है तब भी ठीक है, क्योंकि हमको क्या करना है, इसको इकाई का अंक बताना है। इकाई का अंक यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों, 2 दिया हुआ है। 2 की पावर हम क्या कर लेंगे, 130 कर लेंगे। हमने इसमें आपको बताया था 2 अगर यूनिट डिजिट है तो जो होल नंबर दिए रहेगा, कोई भी नंबर पावर दिया है हमारा, उसमें हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, 1 बचेगा, फिर क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा। दोस्तों, अब देखिए हमें कैसे सॉल्व करना है, 2 को हम क्या करेंगे, 4। ये 4 कहाँ से आ जाता है दोस्तों, जो हमने इसको डिवाइड किया, अब ये क्या है, 32। या आप इसको पलट के भी लिख दीजिए, बात वही आती है, इनटू 2 की पावर 2। ये 2 क्या बचता है, हमारा रिमाइंडर बचता है, हमारा रिमाइंडर क्या बचा है, 2 बचा है, वही 2 यहां पे है। इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों 2 की पावर 0, क्योंकि ये 4 से पूरा डिवाइड हो गया, 32 आया भागफल हमारा, इसका मतलब पूरा हो जाता है 0। और ये क्या हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप ध्यान दें, यहां पे पावर 0 दी हुई है, जब भी किसी भी संख्या का पावर 0 दिया रहता है उसका वैल्यू 1 हो जाता है, और इंटू 4, इसका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा यूनिट डिजिट। दोस्तों, आपने देखा कितनी जल्दी से सॉल्व हो गया, ये इसमें थोड़ा सा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि ये समझा रहे हैं हम आपको, आपको ट्रिक तुरंत अपनाना है, क्वेश्चन देखना, ये सब लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्ट यहां से लिखिए, यहां से डायरेक्ट देखिए, यहां से देखना कैसे है, 4 से डिवाइड किया आपने, 32 आया, हमारा रिमाइंडर 2 बच गया, और जैसे ही रिमाइंडर 2 बच गया हम यूनिट डिजिट का वही पावर रख देंगे और डायरेक्ट इसको हम क्या कर देते हैं दोस्तों, 4 कर देते हैं, यूनिट डिजिट हमारा क्या आ गया, 4 आ गया। तो दोस्तों, इस तरह से क्या है, हम जल्दी से जल्दी, और जिसे लोग कहते हैं ट्रिक इसी तरह होता है, ये सब लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसको डायरेक्ट लिख कर ट्रिक बना सकते हैं। दोस्तों, हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 3, 2, 8 की पावर 66 का क्या बताना है, हमें यूनिट डिजिट बताना है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिखा है, यूनिट डिजिट 8 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 8 की पावर 66 कर देंगे। अब इसे कैसे सॉल्व करना है, नियम हमने बताया था, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से तुरंत आप डिवाइड करिए, 4 1 जा 4 हो जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 26, 4 8 जा 24 हो जाता है, रिमाइंडर यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा, रिमाइंडर क्या बचता है दोस्तों, 2 बचता है। हमें रिमाइंडर से मतलब है, भागफल शेषफल क्या आता है इससे मतलब नहीं है, हमको केवल रिमाइंडर शेषफल से मतलब है, शेषफल हमारा 2 आ गया। अब क्या है, 8 की पावर 2 हो जाएगी, यहाँ पे आप जानते हैं 8 की पावर 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहाँ पे क्या है, 8 का स्क्वायर अगर आपको नहीं आता है तो हमारे पिछले वीडियो में जाके सीख लीजिए कैसे स्क्वायर निकालते हैं। 8 8 क्या होता है दोस्तों, 64 होता है, 8 8 जा 64, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आया, 4, अगर हम डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसका, तो आता है 64। यूनिट डिजिट क्या आता है दोस्तों,
4 आता है। क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करते हैं, कितना आसानी से सॉल्व हो गया क्वेश्चन, आप देख सकते हैं इसको। हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 3694 की पावर 1793 है, यहाँ पे 615 की पावर 317 है, यहाँ 841 की पावर 941 है। हमने क्या किया, सिंगल सिंगल निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, बड़े नंबर्स को कैसे सॉल्व करना है ये देखेंगे। हमने एक एक का निकाला है तो हम एक का पहले निकालते हैं इस तरह से, इंटू यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 दिया हुआ है 317, इंटू यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 दिया हुआ है 941। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए 4, 5 और 1, हमने आपको शायद बताया था या फिर आपको याद होगा 0, 1, 5 और 6। अगर यूनिट डिजिट इनमें से कोई नंबर है तो यूनिट डिजिट जो आंसर आता है वही आता है। यहां से हम समझते हैं, यहां पे 5 दिया हुआ है तो यूनिट डिजिट इसका 5 आएगा, यहां पे यूनिट डिजिट 1 दिया था तो यहां पे क्या आएगा, 1 आएगा, इनटू। अब हमको क्या करना है, केवल इसको सॉल्व करना है। कॉन्सेप्ट आप समझिए, तुरंत आपको यूनिट डिजिट देखना है और लॉजिक लगाना है। यहां 5 दिया था 5 लिख दिया, 1 लिखा था 1 लिख दिया, 4 से डिवाइड कर लीजिएगा, नहीं इसको नहीं तो गलत हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 4 जा 16 हो जाएगा, 1 बचा 19 हो गया, 4 4 जा 16 हो गया, 3 बचा, फिर क्या हो जाएगा, 4 9 जा क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 8 जा आपको क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना बचता है, 1 बचता है, रिमाइंडर क्या बचता है हमारा, 1 बचता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 की पावर 1 हो जाएगी। अगर हम फाइनल इसको देखें तो 4 × 5 × 1 क्या हो जाएगा, 20, क्या हो जाएगा दोस्तों, 20। यहां से यूनिट डिजिट हमें पता चलता है क्या होता है, 0। देखा आपने, इतना बड़ा क्वेश्चन 1-2 स्टेप में आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि हमने एक एक पढ़ा था, इसके पहले हमने सिंगल सिंगल पढ़ा था, प्लस माइनस का, गुणा भाग, जोड़ घटाना सब पढ़ा था। अब हम क्या है, पावर वाला भी एक एक सिंगल सिंगल कर लिया है हमने, और अब हमने क्या किया, पावर वाले कितने भी बड़े नंबर्स आ जाएं हमें जल्दी से जल्दी इस तरह से सॉल्व करना है। हम चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की, उसमें हमने हम क्या करेंगे, गुणा भाग जोड़ घटाना जो भी होगा उसको हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है, 23 की पावर 21 24 की पावर 22 25 की पावर 23, और प्लस आपको सिंबल्स एकदम ध्यान से पहचानना है, यहां पे क्या हुआ है मल्टीप्लाई, यहां पे मल्टीप्लाई और यहां पे प्लस हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमने 3 का नियम पढ़ा था, 4 से डिवाइड करेंगे जो भी पावर होगी, 3 की पावर 21 × 4 का नियम भी हमने पढ़ा था, और 5 का नियम में हमने क्या पढ़ा था, यही नंबर्स आ जाता है 25 की पावर 23। अब क्या करेंगे, हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 5 बार में आएगा 20, रिमाइंडर कितना बच गया फ्रेंड्स, 1 बच गया, क्योंकि 20 आया, यहाँ पे 21 है, रिमाइंडर यहाँ पे क्या आया, 1 आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखेंगे 4 से डिवाइड करने के बाद 4 5 जा क्या हो जाएगा, 20, रिमाइंडर कितना बचता है, 2 बचता है, सेकेंड रिमाइंडर हमारा 2 आ गया। 5 का क्या बताया था, वही संख्या आ जाती है, यहाँ पे रिमाइंडर हमारा क्या बचता है, 1 बचता है, इंटू यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचता है, 2 बचता है, और यहाँ पे क्या बचता है दोस्तों, 5 आता है, और प्लस यहाँ पे क्या आता है, 5 आता है। अब हम क्या करेंगे, इसकी पावर निकालेंगे 3 × इसकी हम निकालेंगे 4 4 जा 16 हो जाएगा, इंटू 5 और प्लस 5। अब हम क्या करेंगे, यहाँ यूनिट डिजिट 3 है, यहाँ यूनिट डिजिट 6 है, यहाँ यूनिट डिजिट 5 है, 3 6 जा क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और उसका यूनिट डिजिट 8 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आया 18, यहाँ पे यूनिट डिजिट 8 आया, इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 40 और प्लस 5 क्या हो जाएगा, 45। आप इसको देख सकते हैं 45 लिखा हुआ है, ये हमारा क्या हो जाता है, 5 यूनिट डिजिट हो जाता है इसका, 5 क्या हो जाएगा दोस्तों, यूनिट डिजिट हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है आपको ये सारे सवाल समझ में आए होंगे, इसी तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट करिए, उसका आंसर हम आपको जरूर बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।